नमस्कार, आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। वेवेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। राजनीतिक हिंसा के खिलाफ भाजपा ने थाने के सामने किया विरोध प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक हिंसा जारी है। कथित तौर पर अब तक राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही तोड़फोड़ और आगजनी का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ दिनों में राज्य में विभिन्न हिस्से में लगभग 10 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं। इसी के साथ ही लोग घायल अवस्था में अस्पतालों में चिकित्साधीन है। राज्य में जारी राजनीतिक हिंसा के खिलाफ बुधवार को भाजपा की ओर से सिलीगुड़ी थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेत्री सबिता देवी अग्रवाल और नांटू पाल कंचन देवनाथ सहित कई महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। विरोध प्रदर्शन में शामिल सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला भाजपा के सचिव राजू साहा ने कहा कि सिलीगुड़ी व उसके आसपास भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उनके घरों व गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस को इस बारे में सूचित किए जाने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसके खिलाफ आज वे लोग थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। সারা দেশ জুড়ে আজ রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে। সেই নির্বাচনের পরে যে রাজ্যে যে শাসক দলই আসছে সেই রাজ্যকে এখন পর্যন্ত কোনো হিসাব খবর আমরা পাইনি বা তার দেশের কোনো খবর পাইনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে শাসক দল জিতে এসেছে। শাসক দল আসার পর থেকে যেভাবে বিজেপি কার্যকর্তাদের উপরে অ্যাটাক করা হচ্ছে, যে মানা হচ্ছে এবং বাড়িঘর তাদের জ্বলিয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা রাজ্য জুড়ে। আর প্লাসে মাইকটা একটু ঘুরো তো। ममता बनर्जी के सीएम बनने पर तृणमूल समर्थकों में खुशी की लहर, बांटी गई मिठाई। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। बुधवार सुबह उन्होंने कोलकाता में राजभवन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से राज्य भर में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी आज ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी इजहार किया। सिलीगुड़ी के 16 नंबर वार्ड में तृणमूल समर्थकों ने इस खास अवसर पर लोगों में मिठाई बांटी। वहीं SF रोड में तृणमूल समर्थकों ने ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने पर आतिशबाजी की। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल समर्थकों ने ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी मनाई और एक दूसरे को बधाई दी। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही लगाई पाबंदियां। लोकल ट्रेनें हुई बंद। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी है और कई पाबंदियां लगाई हैं। लोकल ट्रेनों को गुरुवार यानी 6 मई से बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही कहा गया है कि सामाजिक समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी लोकल प्रशासन से परमिशन लेना होगा। बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक खुले रहेंगे। ज्वेलरी दुकानों यानी कि सोने आभूषण की दुकानें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक खुली रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर में 50% उपस्थिति अनुमति, वर्क फ्रॉम होम पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया है। ऑनलाइन होम डिलीवरी जारी रहेगी। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सभी औद्योगिक कारखानों में 50% श्रमिकों के साथ काम करने की अनुमति होगी।
सुबह से ही लंबी लाइन बागडोगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रही है, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि उन्हें वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं। बुधवार को अस्पताल में खड़े रहने के दौरान वैक्सीन लेने वाले साधारण लोगों ने कहा कि 100 लोगों को टोकन दिया गया है, हालांकि यह पता नहीं कि वैक्सीन कब मिलेगा, लेकिन लाइनों में 300 से ज्यादा अधिक लोग खड़े हैं और इस लाइन में बुजुर्ग से लेकर के युवा सभी शामिल है। बागडोगरा से अभिजीत मंडल की विशेष रिपोर्ट। না হইলে আমার এটা আরে আমরা তো ফেল হয়ে গেছি, চারটা থেকে লাইন দিয়ে বসে আছি, এখনো পর্যন্ত কোনো আমি 5:30টা আমি 5:30টা বয়স 68 আমার সেকেন্ড ডোজ, এখনো কোনো সিওর পাচ্ছি না, লাইনে 5:30টা ঠিক আছি। সমস্যা দেখা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট কিছু বলছে না, কতজনকে দিবে, তারপরে এখানে কতগুলো ভ্যাকসিন আসবে, এই পর্যন্ত এখনো কোনো নির্দিষ্ট কিছু বলেনি। 50 জনকে টোকন দিয়েছে, তার মধ্যে কোনো সিরিয়াল নম্বর নেই, কাগজ চেক না করে 50 জন লেডিস আর জেন্টস দিয়েছে, কখনো বলছে 90টা আসবে ভ্যাকসিন, কখনো কী বলছে, কখনো হচ্ছে 210, এখনও আনুমানিক কিছুই বলেনি। মনে হচ্ছে এখনও কী বলবো, কিছু বলার নাই, এখনও তো লোকজন সবার সকাল 8টা থেকে একদমই মিসইউজ। দাদা আমরা এর মধ্যে দেখছি দুটো রকম জিনিস দেখছি, হ্যাঁ, একটা যে কোনো নাম্বার নেই, যখন তখন একটা ওনার ভিতর থেকে এরকম কাগজ আরও 10টা ইস্যু করতে পারে, অন্য লোককে আমরা সেটা বলতে পারবো না, প্লাস এই লাইনেও কে কোন পজিশনে আছে সেটা নিয়েও একটা ঝামেলা হতে পারে, কারণ এটা কোনো নাম্বার দেওয়া নেই। আগে আমি যদি সামনে গিয়ে টোকেন দেখে ঢুকে যাই তাহলে কী হবে? প্রশাসন তো দেখতেই পাচ্ছেন চোখের সামনে কী করছে, ঘুমোচ্ছে, এই তো ভ্যাকসিনই নাকি এখনো এসে পৌঁছায়নি, কোনো কিচ্ছু নেই, একটা কাগজ দিয়ে আমাদের শান্ত করলো, বলেছিল প্রথমে 200, এখন তো দেখছি 50-100টা টোকেন দিয়েছে, লেডিস 50 জেন্টস 50, 300 লোক, 500, দুটো লাইন মিলে 500-600 লোক হবে, না না বেশি হবে, বেশি হবে। বিমারি কিসি কো ভি পকড় সকতা হ্যায়, ফেল সকতা হ্যায়, বুরি তরহ ফেলেগা। ভ্যাকসিন লিয়া জাতা হ্যায় প্রোটেকশন কে লিয়ে, আর জো হ্যায় ইয়াহাঁ পর জিস তরহ কি ভিড় লগি হুই হ্যায়, वह भीड़ माने प्रमाणित करता है कि और संक्रमण को बढ़ा रहा है। ज़रूरत है यहाँ की सफाई की, ज़रूरत है प्रशासन की, ज़रूरत है हॉस्पिटल प्रशासन की कि हाँ माने जितना वैक्सीन देना है पर डे कितना वैक्सीन गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, उतने वैक्सीन के लिए उतने को टोकन दे देती एक दिन आगे, उसके बाद अपनी सुविधा से आदमी आता देता, यहाँ भीड़ नहीं लगती। अभी तक 100 वैक्सीन के लिए स्लिप इशू किया गया है, यहाँ नियर अबाउट 1000 से कम नहीं लोग हैं। सुबह 5 बजे आई हूँ, मेरा सेकंड डोज, अपर बागडोगरा सुकांत नगर से। देखिए सुबह से ही लोग आके खड़े हुए हैं, अभी तक तो वैक्सीन पहुँचा नहीं है, यहाँ से पता चल रहा है कि वैक्सीन लेने गए हैं लेकिन अभी आया नहीं है, तो अभी कितने लोगों को वैक्सीन मिलेगा ये भी पता नहीं है, इसीलिए सारे लोग अब वैक्सीन लेने के लिए ही खड़े हैं। जी बढ़ सकती है, लेकिन अगर हॉस्पिटल की ओर से, अब उनको नहीं मालूम बोल रहे हैं ना कितना वैक्सीन मिलेगा, हम सुने प्रशासन तो आया हुआ है पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ का सिस्टम बहुत खराब है, बहुत गलत है सिस्टम, खराब है ये, कोई सिस्टम आप देखिए इधर। हमारा पहला डोज 12 मार्च को हुआ है, सेकंड डोज का डेट तो 28 दिन के बाद बोला था, उसके बाद 45 दिन का 45 दिन हो ही गया है, काउंटिंग कीजिए आप, 45 दिन हो गया है। अभी ये जो आया है इसमें कोई बुजुर्ग आदमी है जो चल नहीं पा रहा है, जो बैठा हुआ है एक साथ में दो फुट का डिस्टेंस में, उन लोग का कोरोना नहीं होगा अभी? ये क्या, ये को क्या लगा कर रखा है सब, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 12/3/21 में मेरा यहाँ फर्स्ट डोज हुआ था, अब सेकंड डोज मेरा होने वाला है आज, हमको 28 तारीख, हमको कहने का मतलब 28 दिन के बाद में हमको बुलाया था, फिर 45 दिन के बाद में बुलाया था, मेरा सब पार हो गया, ये तो इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि हम लोग का बात है जो आशा कर्मी हम लोग को फर्स्ट डोज के लिए बोले हैं, सेकंड डोज का लिया टोकन दो, घर में जाकर टोकन दो, हम लोग आएंगे उस हिसाब में, लेकिन यहाँ पे तो कुछ हो रहा ही नहीं है। महत्वपूर्ण स्थानों को किया गया सैनिटाइज, चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। कोरोना पूरे देश में कहर बरपा रहा है, देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य भर में आंशिक लॉकडाउन लागू है। इसी बीच बुधवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के कालिया चौक में नगर पालिका की ओर से महत्वपूर्ण सड़कों एवं स्थानों को सैनिटाइज किया गया। नगर पालिका सूत्रों के अनुसार आज शहर के डाक बंगला रोड, अस्पताल पारा, सेठ कॉलोनी, महेंद्रगंज सहित शहर के विभिन्न इलाके को सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा कालियागंज नगर पालिका की ओर से लोगों में कोरोना लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन जापान? वी हैव एक्साइटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन इंडस्ट्रीज लाइक नर्सिंग, केयर गिवर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन जापान: बेटर पे पैकेजेस, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर एम्प्लॉय वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन, हाई प्रोफेशनलिज्म एंड वर्क एथिक्स,
respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वक पहिलो कीटनाशक औषधि, जिसको एक स्प्रेले भैक्सिन सर काम कर फसल में लगने विभिन्न भाइरस बैक्टीरिया फंगस बाट होने समस्त रोग पात को रस चुस्ने क्रिया समेत नियंत्रण कर जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अज किफायती प्रभावकारी। फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A to Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A to Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद से जारी है हिंसा का दौर। अब अलीपुर द्वार में हुई तृणमूल नेता की निर्मम हत्या, यह काफी दुख की बात है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का दौर शुरू हुआ है वह बदसूरत है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं तो कहीं तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर। इसी कड़ी में अलीपुर द्वार जिले में एक तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या कर दी गई है। अलीपुर द्वार के 12/44 नंबर तृणमूल कांग्रेस के सभापति दीपक राय की हत्या धारदार हथियार से काफी निर्मम तरीके से की गई है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार अलीपुर द्वार जिले के मथुरा इलाके के रहने वाले 38 वर्षीय दीपक राय की शादी के कार्यक्रम में गए थे और वहां से लौटने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें घेर लिया और उन पर जमकर हमला कर दिया। इस संबंध में अलीपुर द्वार जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति मृदुल गोस्वामी ने बताया कि
दीपक राय जब शादी से लौट रहे थे तो सोनापुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन पर धारदार हथियार से हमला शुरू कर दिया। गोस्वामी ने बताया कि तब तक उन पर हमला किया गया जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। इस हमले में दो और उनके साथी घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमले की खबर मिलते ही स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कर्मी मौके पर पहुंचे और तुरंत दीपक राय को बाबूघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सोनापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जिला सभापति मृदुल गोस्वामी ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। সকাল বেলা খবর আসে আমার ভাগিয়া নাকি ডেড বডি ডেড করে দিয়েছে। সকালবেলা এসে স্পটে দেখলাম এখানে একটা বড় লাঠি, সেটাতে রক্ত লাগানো আছে এবং কিটা লাঠিটা ভেঙে দিছে। তারপরে ওদেরকে গাড়ির থেকে নামায়া ভিতরে নিয়ে গিয়ে ওকে মারা হয়েছে, সেখানে রক্ত অনেক কিছু পড়ে আছে। এটুকু দেখে আমি আসলাম। মাটার হয়েছিল না, ওইটা আমার যে মামা হয়তো মামা হয়ে যা খবর পেলাম যে আমার ভাগনা মারা গেছে, আমি দেখতে আসলাম, তাই ওই জন্য দেখলাম লাঠি ঠেঙে অনেক কিছু হতে পারে। ক্ষেত্রে ওই যে ওইদিকে যাতে দাদা মামা মিলতে আসে না, ওই জন্য অনেকদিন থেকে আমার দাদার উপর টার্গেট করে আছে ওরা। পঞ্চায়েতই ভোট হচ্ছে তখন থেকে যেখানে সেখানে এটা করে ওটার আঘাতে ওরা খাইছে, ওকে মারবে মারবে, ওকে আমার কাকিমা ও বাঁচাইছে। ওই দোষীর কাছে শাস্তি চাই কি আমরা, ফাঁসি জুনি অন্তত ওই ওই ছেলেটা এক নম্বর, এক নম্বরের জন্য ওনার নাম থাকে সন্তোষ নাম। তারপর আবার এদিকে আশেপাশে আছে ওরা দুজন ধরা পড়ছে, তো বাকিরা সবাই করবে ধরা। ওকে 10:30 সময় ফোন করলাম, ও ফোনও রিসিভ করলো। ও বলতেছে বড় বাবুর সাথে কথা বলতেছি, তোমার সাথে একটু পরে কথা বলি, যাইতেছি আমি একটু পরে যাইতেছি, তুমি খাওয়া দাওয়া করে থাকো। তা আমি বললাম তাড়াতাড়ি বাড়ি আসো, বাড়ি আসতেছে আসতেছে নাকি, ওখানে কি ডাইকে নিয়ে গেছে এক নাম্বার ব্রিজের ওইখানে। পাঁচ ছজন ছিল আর যারা ইসে করছে তারা নাকি অনেক লোক ছিল, পিছন থেকে ওখানে কি কুড়াল দিয়ে আঘাত করছে, গোলা মুখে শরীর কুড়া আঘাত করে। নির্মল রায়, পরিতোষ বর্মন, সন্তোষ বর্মন, অরবিন্দ বর্মন, বিশ্বজিৎ রায়, চিরঞ্জিৎ রায়, তিজেন বর্মন, সুজয় বর্মন, মানিক বর্মন, দীপক বর্মন, গজেন্দ্র বর্মন, প্রসঞ্জিৎ রায়, উকিল রায়। 12/44 বুথ প্রেসিডেন্ট দীপক রায়, ও কালকে একটা বিয়েবাড়ি থেকে খেয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল নিজে গাড়ি চালিয়ে। সোনাপুর মথুরা রোডে দুটো ব্রিজ হচ্ছে, সেকেন্ড ব্রিজের ওখানে একটা ক্র্যাশার মেশিন আছে, ওইখানে ওর গাড়ি দাঁড় করিয়ে 30-40 জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করেছে। এত নৃশংস যে এখান থেকে মুখটা চেনা যাচ্ছে না। দুষ্কৃতী যারা হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে, যারা আগে হুমকি দিয়েছিল ওখানে, তারা ওই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী এবং ধরা পড়েছে। কালকে রাত্রে একজন ধরা পড়েছে, আরও জানি না পরবর্তীকালে ধরা পড়েছে, তার থেকে নামও সব বেরিয়ে গেছে। नक्सलबाड़ी के सातबाइया इलाके में हुई सड़क दुर्घटना में अज्ञात व्यक्ति की मौत। नक्सलबाड़ी के सातबाइया के ट्रैफिक पॉइंट के नजदीक एक दुर्घटना हो गई जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के जवान घायल व्यक्ति को लेकर तुरंत नक्सलबाड़ी ग्रामीण अस्पताल में पहुंचे, लेकिन नक्सलबाड़ी अस्पताल के चिकित्सकों ने इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। आज इस व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हुई है। रायगंज नगर पालिका के पार्षद प्रसन्नजीत सरकार ने दिया विवादित बयान, कहा जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है वो लोग सरकारी सुख सुविधाओं के लिए उनके पास नहीं आए। विधानसभा चुनाव में रायगंज विधानसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया लाल अग्रवाल भाजपा के कृष्ण कल्याणी से 20,748 वोट से हार गए हैं। इसके बाद से भाजपा और तृणमूल समर्थकों को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच रायगंज नगर पालिका के 27 नंबर वार्ड के पार्षद प्रसन्नजीत सरकार ने काफी विवाद स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया वे लोग सरकारी सुविधा
के लिए उनके पास नहीं आए। उनके इस बयान को लेकर और सनसनी फैली हुई है। सबसे बड़ी बात है कि पार्षद प्रसन्नजीत राय ने अपने इस बयान को स्वीकार भी कर लिया है। उनका कहना है कि पूरे साल भर लोगों के साथ रहे और उनकी सेवा करते आ रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी सरकारी सुविधाएं उनको देते आ रहे हैं। जिन लोगों ने भाजपा को जिताया है उनसे अनुरोध है कि वे लोग उनके पास किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नहीं आए। हालांकि वार्ड पार्षद होने के कारण उनके लिए भी नागरिक सम्मान है। আসলাম যে কিছু যদি পাই যদি দেয় তাহলে নিয়ে যাবো, নিয়ে কিছু দেয় যদি তার জন্য বলে না গিদ্রি মরে যাও, ওখানটায় যাইতে হবে গিদ্রি মরে না কি তাই বললো, বলে অফিস আছে নাকি যাই না ওখানে চলে যাও, বলছে যে দিবে ওখানটায়, আমি কি দিবে সেটা বলো, আমি স্লিপটি যদি কিছু পাইনি আমি কি করতে যাব। এটা একটা খুবই দুঃখে পোস্ট করা হয়েছে। সারা বছর আমরা মানুষের কাজ করি, এই করোনার পরিস্থিতিতে করোনা পেশেন্টকে উঠানো, তার বাড়ির থেকে শুরু করে শ্মশানে রাত্রি সারা রাত পড়ে থাকা, এই সমস্ত কাজ করার পরেও এই যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে তারা তো অ্যাকচুয়ালি বিজেপি না, তারা হচ্ছে ধর্মীয় মেরুকরণের ভিত্তিতে ভোটটা দিচ্ছে হিন্দু মুসলিম। তাদের আমরা অনেকেরই উপকার করছি, সেই ঘর থেকে শুরু করে ভাতা দেওয়া, কিন্তু তারা বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে কী কারণ না, এই মুসলমানের এগেনস্টে ভোটটা দিতে হবে। এই যে তাদের একটা নোংরা মানসিকতা, এই মানসিকতার জন্য আজকে আমাদের এই পরিস্থিতি হয়ে গেছে। তাই তাদেরকে আমরা আবেদন করছি যে যারা আপনারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, কে দিয়েছে আমরা জানি না, যারা ভোট দিয়েছেন তাদের কাছে আবেদন আমাদের যে আপনারা নিজের থেকেই আমাদের কাছে কোনো উপকারে আসবেন না, যা আপনাদের উপকার করা এখন থেকে আমাদের যে এমএলএ আছে এমএলএ সাহেবের কাছে যাবেন, তিনিই আপনাদের উপকার করবেন। ক্ষোভের কারণ দীর্ঘদিন ধরে আমরা সেই বন্যার পরিস্থিতি থেকে শুরু করে করোনা লকডাউন সব কাছে আমরা পাশে আছি। ব্যক্তিগতভাবে সরকারি অনুদান যা আসে সেটা তো দিচ্ছি আমরা, ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের যারা সংগঠন আছে মানুষের পাশে ছিলাম, চাঁদা তুলে দেওয়া হয়েছে, হেল্প করা হয়েছে। সাংবিধানিক ব্যবস্থায় এরকম ধরনের কথা বলা যায় কি না তারাই জানে। সাংবিধানিক ব্যবস্থায় ভোট দিয়ে যাদেরকে জেতানো হয় বা যারা জেতে তারা শুধুমাত্র পার্টিকুলার সেই ভোটারদের সেবার জন্যই থাকে না, সমাজের সর্বস্তরের লোকের সাংবিধানিক যে পদাধিকার থাকে তাদের সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া, সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া এটা সাংবিধানিক পদ্ধতি। এবার তারা সাংবিধানিক পদ্ধতিকে যদি উল্লঙ্ঘন করে তাহলে সেই সাংবিধানিক পদ্ধতিতে তাদেরকে জবাব দিতে হবে। কিছু কাউন্সিলার এরকম পোস্ট করেছে, তাদেরকে আমরা অলরেডি বলেছি যে তারা একটা প্রতিজ্ঞা নিয়েছে পাঁচ বছর পৌর এলাকার সমস্ত নাগরিককে পরিষেবা দেওয়া, সেটা তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং সেই প্রতিজ্ঞা মেনে আগামী দিনের কাজ তাদের করতে হবে। কিন্তু তার সাথে সাথে যারা এই পোস্টগুলো করেছে তারাও কাউন্সিলার সাথে সাথে মানুষও বটে, তারা দিন রাত যেভাবে 365 দিন 24 ঘন্টা মানুষের পরিষেবা দিয়েছে, সে বন্যা হোক, কোভিড সিচুয়েশন হোক, আজ অবধি যেভাবে তারা মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য দিন রাত এক করছে, আজকে আপনাদের সামনে আমি নিজে আছি, দ্বিতীয়বার 6 দিন যাবত আমার করোনা আক্রান্ত হয়ে আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি। তো এইরকম প্রচুর কাউন্সিলার তাদের পরিবারের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা কাজ করে যাচ্ছে বছরের পর বছর, সেই জায়গায় যখন ফল তারা আশানুরূপ পাবলিকের কাছে পায়নি এইবারকার নির্বাচনে, সেই জন্যে কোনোখানে তাদের মনেও বেদনা, ক্ষোভ এবং জ্বালার সঞ্চার হয়েছে, যার প্রতিফলন হিসাবে হয়তো এই ধরনের কথা তারা পোস্ট করেছে। কিন্তু এটা করা ঠিক নয়, তাদেরকে আমরা জানিয়েছি, আমরা আবারও সতর্ক করে দেবো যাতে सीएम पद की शपथ लेते ही बोली ममता बनर्जी, हिंसक घटनाओं को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, होगी सख्त कार्रवाई। सीएम पद की शपथ लेने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार सत्ता में आई है। आज ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई, जिसके बाद ममता दीदी एक बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई है। वहीं शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने सबसे पहले कहा
कि उनकी प्राथमिकताओं में कोरोना के खिलाफ जंग है। इसके साथ ही नवागत सीएम ने कहा कि बंगाल में अब हिंसा की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल को हिंसा पसंद नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को देखूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि राज्य में शांति कायम हो। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। अगर किसी भी दल के व्यक्ति ने हिंसा की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं शांति के पक्ष में हूं और रहूंगी। दूसरी तरफ सीएम पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ममता बनर्जी को बधाई दी है। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।